हे गाइस गुड मॉर्निंग। और मैं बनाते बनाते आठ सो हे गाइस गुड मॉर्निंग। और अभी आपने जैसा कि देखा, मेरे भाई ने मुझे एक जंप स्केयर दिया। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और कोई भी रेडी नहीं है, सिर्फ मैं रेडी हो गया हूँ। और इन कपड़ों में मुझे थोड़ी गर्मी भी लग रही है, तो गाइस अभी तो कोई रेडी नहीं हुआ है, तो सब लोग ऐसे ही रेडी होते हैं, तो मिलते हैं एयरपोर्ट पे। ओके गाइस, और आपको लगा कि मैं ये करने वाला हूँ तो मैं नहीं करने वाला, मैं ये करने वाला हूँ। सो गाइस मिलते हैं एयरपोर्ट पे, बाय। तो गाइस अभी हम आए हैं यहाँ पे नानू, चलो बाय, मिलते हैं बाद में, बाय मिलते हैं फिर। और ये रही हमारी टॉफी खाने वाली गुड़िया, आपको याद ही आ रहा होगा, देखो टॉफी खाने वाली गुड़िया लग रही है। गाइस ये हमने कल बैठ के बनाया है स्क्विरल्स का हाउस, इसके अंदर नानी ने चिप्स डाल दिए। और टॉफी खाने वाली गुड़िया आप अपना एक्सपीरियंस बताओ, किस चीज का? बस जिंदा रहने का एक्सपीरियंस है। हमारे नियॉन पेट कहाँ गए? नियॉन पेट गाइस हमने एक छिपकली को नियॉन नाम दिया था, छिपकली के बच्चे को, और ये बेचारा उसकी याद कर रहा है। देखो हिंदू, चलो एयरपोर्ट पे मिलते हैं, हाई फाई, चलो बाय, चलो बाय बाय बाय। सो गाइस एयरपोर्ट तो पहुंच गए हैं, पहन गए हैं, मतलब पहुंच गए हैं। और पीछे भाई भीड़ बहुत ज्यादा हो गई है, बहुत ज्यादा भीड़ है भाई, मतलब क्या ही कह सकते हैं। और गाइस मेरी आंखें थोड़ी ऐसी लग रही होंगी क्योंकि थोड़ा कोल्ड हो रहा है मुझे, तो चलो भाई आगे मिलते हैं, देखते हैं क्या होता है। गाइस अभी हमें भागना पड़ रहा है लाइन के लिए, तो भाई भीड़। और मम्मी कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है? टर्न करो भाई, भीड़ हो रही है काफी ज्यादा, अभी तो यहाँ लाइन में कम है। अच्छा तो लग रहा है मम्मी, पर भीड़ काफी है ना, मास्क लगाओ। तो गाइस मम्मी अभी मास्क लगा रही है, ये मैंने मास्क ओपन किया और इसको मैंने अपने उल्टा है, यूट्यूब ट्यूटोरियल्स गाइस, नाउ इट्स ओके। हाँ गाइस ऊपर से अभी तक मामी मामा कोई नहीं आए, वो लोग गलत टर्मिनल में घुस गए थे, अब वो वापस आ रहे हैं। चलो देखते हैं कब तक आते, तब तक हमें तो अंदर घुसना चाहिए, हम अंदर वेट करेंगे। गाइस यहाँ तबड़ी वाली भीड़ हो रखी है, इसमें मामी मामा कहीं नहीं दिखने वाले हमें तो, भाई साहब मम्मी हाथ बीच में डाल दिए। गाइस यहाँ एयरपोर्ट पे तो आ चुके हैं, पर यहाँ पे काफी ज्यादा खतरनाक माहौल हो रहा है कि आप भीड़ से अंदाजा लगा ही सकते हो, लंबी लंबी लाइंस लगी हुई है, बहुत ज्यादा लंबी लाइंस है। कैमरे में ज्यादा समझ नहीं आ रहा बट गाइस बहुत ज्यादा खतरनाक भीड़ हो रही है। तो अभी हम चेक इन कर रहे हैं, तो भाई हमारे आगे अंकल लगे हुए हैं, ये रही मम्मी, पापा यहाँ फंसे हुए हैं बेचारे पापा। गाइस चेक इन करने की कोशिश चल रही है यहाँ पे क्योंकि जगह नहीं मिल रही, वैसे तो अभी फिलहाल खा कर ही रहे हैं। गाइस चेक इन भी हो गया और ये लोग भी आ गए, कैसे हो? और हेलो भाई, लगेज के ऊपर बैठ के आ रहे हैं माहिष्मती का सम्राट। गाइस इससे आपको हिंट मिल गया होगा, टकलू टकलू से आपको हिंट मिल गया होगा। गाइस मेरे को भगा दिया गया, पर मैं ये कह रहा था कि आपको हिंट मिल गया होगा वो अंगद के टकले टकले से कि नेक्स्ट ब्लॉग कौन सा होने वाला है, इस ब्लॉग के बाल वाला नेक्स्ट ब्लॉग कौन से होने वाला है, तो वो मैंने अभी तक एडिट नहीं किया है बट वो भी आने वाला है, इन सारी ब्लॉग्स के बाद आने वाला है। वो देखो भाई, वो देखो भैया खिड़की पे चढ़ के वहाँ पे सफाई, खिड़की पे चढ़ के वहाँ इतनी ऊपर तक, भाई मैं तो नहीं कर सकता भाई कभी भी, बड़े होके भी नहीं कर सकते इनफैक्ट। तो अभी गाइस सिक्योरिटी चेक हो चुका है, गाइस यहाँ पे लेजर शो है, ओ भाई भाई, गाइस ये देखो भाई कितना खतरनाक लग रहा है, मस्त भाई मस्त। बाकी अभी हम घूम रहे हैं बस, और काफी कूल सा माहौल है यहाँ पे, चलो कुछ खाते हैं अपना लंच करते। सो गाइस अभी मैं यहाँ पे लाउंज में आ चुका हूँ, और भाई यहाँ इतनी शांति है, तो अपना मज़े से ब्लॉग करेंगे, और चलो कुछ खाते हैं लंच करते हैं।
बाकी गाइज अभी मामा मामी नहीं आए, उनका सिक्योरिटी चेक बचा है तो वो करके वो भी हाँ शायद इधर ही आने वाला, तो चलो खाते हैं। आ गए आपका इंतजार, हमने खाना खा लिया। हमने नहीं खाया, हम अभी अभी तो आए हो। नमस्ते, ये कैसा रिएक्शन था? अरे हमारे छोटा बच्चा का है अंगद, छोटी बच्ची हो क्या, छोटी बच्ची हो क्या, धक्का दे। चलो बाय, खाना खा लो। इस समय मैं ऐसा थोबड़ा इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं बोर होते वक्त बॉट फ्लिप कर रहा था जो नहीं हुई। आ रहे हैं सारे लोग, ये करने में थोड़ी स्क्रिप्ट पढ़नी पड़ी है इन लोगों। आ जाओ, हाय करो, इधर भी कर दो। हाँ गाइस, अभी हम जा रहे हैं गेट में जा रहे हैं, नंबर मुझे याद नहीं आ रहा पर हम कोई तो गेट पे जा रहे हैं। हम कौन से गेट नंबर पे जा रहे हैं? 55। ओके, एस्केलेटर पे है, ड्रोन शॉट नहीं है। तो गाइस मेरे भाई ने गलत बोल दिया था, गेट नंबर 55 नहीं, गेट नंबर 49 है और हम वापस जा रहे हैं। चलो, थक गए यार। सबसे मजेदार पार्ट ऑफ आवर प्लेन जर्नी गाइज, रेस लगाओगे? बाय, अकेले रेस लगाओ, अकेले ही जीतो। भागना पड़ रहा है गाइस, इतने तेज भागना पड़ रहा है गाइस, थोड़ी भीड़ भाड़ हो गई गाइस, थोड़ा सा लेट हो गए गाइस, भागो। चलो भाई, हम लोग तो आ गए, वो मामी मामा पीछे छूट गए, वो भी आ जाएंगे। चलो, लास्ट कॉल चल रही थी गाइस। चलो भाई, यहाँ पे चीज टोस्ट की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत मस्त खुशबू है भाई, खाने का मन कर गया पर नहीं खाना क्योंकि अभी इतना खा के आए हैं पेट फट जाएगा मेरा। क्रेश क्रेश, चलो भाई, ये गिर गया। रो मत भाई, रो मत। सो गाइस, हम फाइनली बहुत भाग भाग कर आए क्योंकि लास्ट अनाउंसमेंट हो चुकी थी बोर्डिंग की, तो बस भाग भाग के जल्दी से बस बैठे हैं और सीट पे बैठ के हमें फाइनली अब थोड़ा सा रिलैक्स लग रहा है, थोड़ी कम आवाज आ रही होगी, मजा आ रहा है, करते हैं एंजॉय। गाइस विंडो सीट पे, यहाँ विंडो ही नहीं है, इधर है, इधर पर इधर नहीं है, और इधर से एक प्लेन ही दिख रहा है, ज्यादा कुछ दिख नहीं रहा है। चलो फिर उड़ते हैं। हम कश्मीर एयरपोर्ट तो आ गए हैं पर यहाँ काफी ज्यादा भीड़ हो रही है, रुको मैं दिखाता हूँ। ये तो थोड़ी भीड़ है, काफी भीड़ है। आ गए आपका वापस से एक और बार इंतजार था, कैसा लग रहा है? क्या अच्छा अच्छा, हेलो, कैसा लग रहा है कश्मीर पे आके? बिल्कुल मछली मार्केट गाइस, मजा तो एक्चुअली आ रहा है पर यहाँ पे रियल में ठंड नहीं है, एसी चल रहा है, एसी चल रहा है गाइस, रियल में ठंड नहीं है। देखो एयरपोर्ट पे आके महारानी की सीट, वाह, महारानी की बहन,
कहते हैं, नहीं बुआ, बुआ महारानी की बुआ। और ये रहे महाराजा, ये महाराजा के पापा। और ये बैठ के जा रहे बार्बी के ऊपर, नहीं नहीं सिंड्रेला के ऊपर, नहीं एल्सा, एल्सा के ऊपर। हाँ ठीक है। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं, हमें चश्मे लगा रखे क्योंकि काफी तेज वाली धूप है इधर। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं और हमारी टैक्सी आने में थोड़ा सा टाइम है, तो मतलब यहाँ पे थोड़ा ठंडा तो लग रहा है और मैं च्युइंगम खा रहा हूँ, गुटखा नहीं है। बोलो सुबह केसरी। यहाँ पे थोड़ा ठंडा तो लग रहा है बट हाँ कह सकते हो यार नॉर्मल टेम्परेचर है, इतना भी ज्यादा ठंडा नहीं, अब समझ लो। तो गाइस अभी तो मैं ज्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं करने वाला, तो मिलते हैं सीधा रूम में ही। तो अभी हम एयरपोर्ट से घर जा रहे हैं, घर नहीं रूम जा रहे हैं, और हमें पिक किया रियाज अंकल ने जो हमारे कैब ड्राइवर है। और भाई मस्त आ रहा है, मस्त है घर पूरा। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, मजा। सो गाइस हम पहुंच गए हैं अपने होटल, हमारे होटल का नाम है होटल मधुबन, और यहाँ थोड़ा चेक इन वेक इन कर रहे हैं। बाकी आप देख ही सकते हो कितना अच्छा गार्डन है। सो ये बच्चा यहाँ पे बदमाशी कर रहा है, क्या कर रहे हो भाई? बॉटल फ्लिप ऑन नेक्स्ट लेवल। यहाँ मेरा प्यारा दोस्त चार्ज हो रहा है। ओए गाइस यार एपिक सस्ता रूम टूर। सबसे पहले देखना जरूरी है कि बाथरूम कैसा है, क्योंकि इधर चलो साफ है, यही हमारे मेन चीज है पूरे रूम की। और यहाँ हमने बैग रख दिया, और यहाँ लड़ाई चल रही है, और यहाँ सोफा है, और ये मैं हूँ, और यहाँ पार्टी हो रही है। हैशटैग सस्ता रूम टूर गाइस। ये है यहाँ पे हमारी खिड़की, ये है हमारा खिड़की खोलन दरवाजा, जिसे अभी मैं नहीं खोल रहा क्योंकि होटल वाले मना कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल भी मना नहीं, मना कर रहा है भाई, मना कर रहा है, मना कर रहा है बहन, मना कर रहा है। चलो अपना रिव्यू दो रूम के बारे में। हाँ रूम ठीक ठाक है, बस बाथरूम में थोड़ा बाथरूम ठीक है। तो गाइस इनका रिव्यू तो मिल गया, बट मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ बाथरूम की। ये शुरू होते ही खत्म हो जाता है, एक दो तीन, तीन कदम का बाथरूम है भाई, तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। और पर यहाँ पे हर चीज कर सकते हो, टिकटॉक के सारे ट्रेंड्स कर सकते हो, ब्लडी मैरी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। और ये बाय द वे हमारा रूम है, बट ये काफी ज्यादा फैल चुका है क्योंकि एक छोटा बदमाश बच्चा आया था जिसने आके अपनी बॉटल से सबको मारा है। और देखो, और यहाँ पे ये मेरा सर्च कर रही हूं, ये मेरा नेक पिलो है जिसका नाम पोपी है। आपको नाम सजेस्ट करूं, मैं तो इसे पोपी बुलाता हूँ, या पोपी जो भी कह सकते हो। और भाई यहाँ पे ये पंखा वंखा सब कुछ मस्त है, लाइट आ गई है अभी, लाइट आ गई। मेरा फोन चार्जिंग पे जाने वाला है, तो गाइस चार्जिंग पे जाने वाला है, तो तब तक के लिए बाय। सो गाइस अभी मैं यहाँ पे व्लॉग बंद करना चाहूंगा क्योंकि यहाँ पे सारे बच्चे पागल हो गए हैं और लाइट आ गई, तो मैं फोन चार्जिंग पे लगा रहा हूँ, मतलब व्लॉग एंड नहीं हो रहा है। देखते हैं अगर आज कुछ और करते तो ठीक है, नहीं तो यही पे व्लॉग एंड हो जाएगा। और अभी तक अभी तो मैं अपना फोन चार्जिंग पे लगा रहा हूँ, तो तब तक के लिए बाय। अपना रिव्यू दीजिए इस रूम के बारे में। मैं इस रूम का रिव्यू दूंगी कि एक दो तीन चार लाइट काम नहीं करती, बाथरूम बहुत छोटा है वरना तो कमरा ठीक है। चार लाइट काम नहीं करती, लाइट ही कितनी है भाई? छह लाइट भाई, छह लाइट है जिनमें से दो लाइट काम करती है, मतलब अच्छा रूम है। बट गाइस कुछ कुछ इसमें कमियां है इस, और व्यू बहुत अच्छा है एंड हवा बहुत अच्छी आती है इस कमरे। चलो गाइस मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। सो गाइस ये है व्यू जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, रोजेस लगे हुए हैं और पिंक रोज भी है इधर और वाइट रोज भी है इधर, इधर ऑलमोस्ट सब कुछ है। और माउंटेन ड्यू वाले ये छतरियां, क्योंकि आज हमारे कैब वाले भैया ने कहा कि आज बारिश हो सकती है, बहुत ज्यादा चांसेस है। और हमारे रूम से सामने दिखती है एक नेटवर्क टावर, नहीं बिजली का खंभा, हाँ बिजली का खंभा। और ये नेटवर्क टावर है, वो पहाड़ों पे है भाई, वो बहुत ऊंचा है भाई, वो बिजली का खंबा है। अरे वो नेटवर्क टावर नहीं है, वो बिजली का खंबा है गाइस। थोड़ी दिक्कत आ गई थी लोगों को समझने में। और यहाँ पे एक पहाड़ है जिसके अंदर ही अंदर जंगल हो चुका है, और यहाँ नीचे अंकल पौधों को पानी दे रहे हैं जिनको मैं रिकॉर्ड करना नहीं चाहूंगा। तो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर बाद या फिर कल सुबह। सो गाइस हमारा प्लान तो बन रहा था कि दल लेक जाएंगे, वहाँ डिनर करेंगे,
बट ये देखो बारिश होने लग गई है शुरू। सो अभी गाइस काफी देर रिसर्च करने के बाद कुछ खाना जब नहीं मिला तो हमें होटल में ही खाना पड़ रहा है। पहले भी होटल में अवेलेबल नहीं था पर अब हमने थोड़ी रिक्वेस्ट करी तो उन्हें अवेलेबल है। और बारिश भी हो रही है थोड़ी, काफी ठंड लग रही है मुझे और मस्त हो रखा है मौसम। चलो देखते हैं क्या क्या खाना है। तो अभी गाइस ये है हमारा डाइनिंग हॉल, यहाँ पे हम खाना खाने वाले हैं और देखते हैं जो मिलेगा वही खाएंगे और होप करता हूँ कुछ मस्त मिले। कश्मीरी कबाब लाओ, ये मेरा हो गया। टेस्ट इट, हाउ इज इट? बहुत ज्यादा मस्त है गाइस। हम थोड़े बहुत स्नैक्स भी लाए क्योंकि बहुत ज्यादा भूख लगी हुई थी और बाकी बाहर का वेदर देख ही सकते हो पूरा गीला गीला हो रखा है। और क्या खाओगे? पता नहीं खाओगे? मैं भी पता नहीं खाऊंगा क्योंकि मुझे भी नहीं समझ आ रहा क्या खाना चाहिए। चलो गाइस देखते क्या खाते हैं। तो अभी गाइस मैं खा रहा था आलू जीरा, जीरा आलू या ये रोटी जो काफी ज्यादा बड़ी है साइज में और ये दाल मखनी और यहाँ पे इनकी प्लेट फिनिश, इनकी प्लेट फिनिश। ओके सबने ऑलमोस्ट खाना खा ही लिया है। गाइस अभी आ चुका है लेमन जूस, लेमनेड, चलो पीते हैं। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं रूम और रूम में जाके मैं थोड़े मतलब व्लॉग को एंड कर दूंगा क्योंकि बारिश भी काफी तेज हो रही है और हमें ज्यादा कुछ करना भी नहीं है और हम रास्ता भूल चुके हैं भाई। और ध्यान से भाई, ध्यान से गिरना मत। यहाँ गाइस फिसलन हो रही है क्योंकि बारिश काफी तेज हो गई है। तो चलो चलो भाई रूम में मिलता हूँ क्योंकि पहले अपना ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है। तो गाइस आज का ब्लॉग यही खत्म होता है क्योंकि आज हम ज्यादा कुछ कर भी नहीं पाए और आज टाइम से भी ब्लॉग खत्म कर दे रहे हैं। तो मिलते हैं कल सुबह, बाय।